संज्ञा की क्या परिभाषा है? कमल के तीन पर्यायवाची क्या है? कमल का फूल होता है, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? करके आएंगे तभी आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। शिक्षा में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपके शिक्षक आपको अच्छी शिक्षा दें। बिहार के सहरसा में डीएम आनंद शर्मा एक सरकारी स्कूल पहुंचे। ये स्कूल सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के मैनावंत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्कूल में वो बच्चों के सामने ही शिक्षकों से सवाल करने लगते हैं। शिक्षकों से उन्होंने कुछ ऐसे सवाल दाग दिए जिस सवाल का जवाब कठिन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन डीएम साहब को शिक्षक जवाब नहीं दे पाए। देखिए, जब डीएम साहब ने महिला शिक्षकों से संज्ञा की परिभाषा पूछ ली, क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। संज्ञा की क्या परिभाषा है? आप बताइए मैडम, संज्ञा की क्या परिभाषा है? संज्ञा की परिभाषा क्या है? कुछ होगा ना, किसी वस्तु नाम कुछ ऐसा याद है? संज्ञा की क्या परिभाषा है? फिर बच्चों को क्या पढ़ेंगे आप? आपको बच्चों को पढ़ाना है संज्ञा की क्या परिभाषा है। हिंदी का तो शुरू ही वहां से करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या पढ़ेंगे। देखा आपने, संज्ञा की परिभाषा इतनी कठिन है कि ये शिक्षिकाएं बता नहीं सकी। इतने में डीएम ने अगला सवाल दाग दिया, बेहद कठिन सवाल। सवाल था कमल के फूल के पर्यायवाची का। देखिए फिर क्या हुआ। कमल के तीन पर्यायवाची क्या है? कमल का फूल होता है, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची क्या होता है? किसी नाम के दूसरे और क्या नाम हो सकते हैं? तो कमल के और क्या पर्यायवाची है? तीन पर्यायवाची अगर बोल रहा हूं, पंकज तो कमल का ही है, जनज और तो कुल मिलाकर डीएम आनंद शर्मा ने शिक्षकों की जमकर क्लास ली, उन्हें नसीहत भी दी कि वो खुद पढ़ें और फिर बच्चों को पढ़ाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कल जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।